नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल तंत्र गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या या समाधान, कुंडली से संबंधित जानकारी या तंत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी के निवारण के लिए आप हमें हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे शनि के महादशा की। शनि की महादशा का हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, क्या परेशानियां आती हैं और क्या लाभ मिलता है, तो इस बारे में विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सिलेक्ट कर लेना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले। शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों का कारक और फलदाता होता है। आप धनवान होंगे या दरिद्र, ये कर्मों के आधार पर शनिदेव तय करते हैं। शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति सरल हो सकती है और मुश्किल भी हो सकती है। ज्योतिष मत के अनुसार शनि की महादशा 19 वर्ष तक चलती है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव होने पर शनि लंबे समय तक आर्थिक कष्ट देने लगते हैं। शनि नकारात्मक हो तो 7.5 या 2.5 में घोर दरिद्रता होती है। कुंडली में बेहतर योग होने के बावजूद अगर कर्म शुभ न हो तो शनि धन की खूब हानि करवाते हैं। तो शनि कब धन की हानि करवाते हैं इसकी जानकारी आप लोग को जरूर होनी चाहिए। अगर शनि कुंडली के अशुभ भाव में हो तो धन की हानि होती है। अगर नीच राशि में हो या सूर्य के साथ हो तो भी पैसे का नुकसान जरूर होगा। कुंडली में प्रतिकूल शनि होने पर जब 7.5 या 2.5 लगती है तो भी आर्थिक नुकसान शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग बेवजह नीलम धारण कर लेते हैं। नीलम एक ऐसा रत्न है जो मालामाल भी करता है, कंगाल भी करता है। साधारण लोगों से परामर्श लेने के बाद राशि के अनुसार कुछ लोग रत्नों का चुनाव कर लेते हैं। यह जीवन में तमाम तरह की मुश्किलों को लाकर खड़ा करता है। नीलम धारण करने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लीजिए जिसको कुंडली का पूर्ण ज्ञान हो और ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों की स्थिति डिग्री के हिसाब से रत्न धारण होता है, न कि आपकी राशि के हिसाब से। तो अनायास यदि कुछ लोग नीलम धारण कर लेते हैं तो भी परेशानी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए। बुजुर्गों का अनादर आपसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको शनि से दिक्कत आती रहेगी। शनि धनवान भी बनाते हैं। यदि शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 आई 2.5 है तो भी आप धनवान बनेंगे और अपार धन मिलेगा, लेकिन उससे कैसे मिलेगा वो आपको बता रहे हैं। अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो और तीसरे छठवें या एकादशवें हो तो इंसान आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ कमाता है। शनि उच्च का हो और अपने घर में हो तो भी लोग मालामाल रहते हैं। शनि विशेष अनुकूल हो और शनि की महादशा 7.5 या 2.5 चल रही हो तो जीवन में कभी पैसे की तंगी नहीं आ सकती है। इसके अलावा माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है और व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और शिव की पूजा अर्चना में अपना कुछ समय जरूर निकालें। आप को कभी भी आर्थिक हालात से समझौता नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ शनिवार को पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक जलाएं, इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम प्राम प्रीम
प्रौम सह सनेश्चराय नमः। आखिर में मंत्र जाप करने के बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को, जो बहुत ही निहायत गरीब हो, उस व्यक्ति को कुछ सिक्कों का दान जरूर करें। यदि आपका व्यवसाय है और आप लाभ चाहते हैं तो शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल जरूर डालें और शाम को उसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा एक मुखी दीपक लोहे की कटोरी में जलाएं, वहीं पर खड़े होकर शनि चालीसा का पाठ करें और बाद में किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन जरूर करवाएं और इस दिन स्वयं सात्विक रहें। नॉनवेज या मांस मदिरा का सेवन कतई न करें। आपको सिर्फ शनि से लाभ मिलेगा, कभी शनि से आपको हानि नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि पहली बार आए हो, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।